हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वर्लपूल कंपनी की ओर से आने वाला 190 लीटर का 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, जिसे कि मैं लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। 6 मंथ बाद में इसका क्या कंडीशन है, क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा भी है कि नहीं, क्या इसके अंदर कंप्रेसर में मुझे प्रॉब्लम देखने को मिला, या फिर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, या फिर इसकी जो कैपेसिटी वो इतनी है भी कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी सोचो कि अच्छा सा रेफ्रिजरेटर परचेस करने के लिए आपका बजट अराउंड 10,000 से 12,000 के बीच में है। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 11,499 का। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये रेफ्रिजरेटर को 12,000 13,000 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। रिव्यू शेयर करने के पहले मैं बताता हूं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेन देखने को मिलेगा। तो एक यूनिट आपको रेफ्रिजरेटर आएगा, एक यूजर मैनुअल आएगा, एक की आएगा जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर आएगा, और आपको लैग को रिमूव करने एडजस्ट करने के लिए 2 रिमूवेबल एडजस्टेबल लैग्स देखने को मिलेंगे। अब वारंटी की बात करें तो ओवरऑल प्रोडक्ट पे आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, और कंप्रेसर पे आपको 10 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो हमारा रेफ्रिजरेटर पूरा का पूरा कंप्रेसर के थ्रू ही चलता है। इसके अंदर जो ठंडाहट रहती है, जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो आइस फ्रीजिंग होती है, वो कंप्रेसर के थ्रू ही होती है। तो कंप्रेसर कभी भी वारंटी उसकी ज़्यादा रहनी चाहिए। तो कोई भी आप लोकल परचेस करते हो तो उसके कंप्रेसर की आपको 2 ईयर 3 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। पर ये वर्लपूल की कंपनी की ओर से आने वाला है, जिसके अंदर आपको 10 ईयर के कंप्रेसर की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छा है। ओवरऑल रेफ्रिजरेटर की वेट की बात करें, आपको 32 kg एंड 400 ग्राम का देखने को मिल जाएगा। तो इजिली 2 पर्सन इसे एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा सकते हो, जहां चाहे वहां आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। साइज की बात करें, आपको 191 सेंटीमीटर का इसका हाइट देखने को मिलेगा, 53 सेंटीमीटर विथ देखने को मिलेगा, और 61 सेंटीमीटर इसका लेंथ देखने को मिलेगा। तो साइज भी बहुत ही कंफर्टेबल है, 4 से 5 फैमिली मेंबर के लिए ये फ्रिज एकदम परफेक्ट है। अब कैपेसिटी की बात करें, तो जैसे कि उन्होंने 190 लीटर कैपेसिटी मेंशन के हुए, इसके अंदर से आपको 158 लीटर की कैपेसिटी जो कि फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल वगैरह रखने के लिए देखने को मिल जाती है। 14.3 लीटर की कैपेसिटी आपको फ्रीजर चैम्बर के अंदर देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आइस वगैरह जमता है। तो इसके अंदर आप कुछ भी बॉटल वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीजें रखना चाहते हो जो फ्रीजर के अंदर ही कंपलसरी रखना है, तो 14 लीटर तक की आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। और इस फ्रीजर के अंदर आपको 3 स्टार रेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसके कारण आपका एनुअल एनर्जी कंजप्शन 168 kW ही होगा पर आवर, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और टोटल वोल्टेज जो कि 130 वोल्ट को यूज करेगा। अब ओवरऑल फ्रिज के डिजाइन और लुक की बात करें, तो आपको ब्लू कलर में अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर भी है, वो सभी के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बॉडी की बात करें, ओवरऑल स्टील बॉडी को यूज किया गया है, जो कि रस्ट प्रूफ रहेगी, लॉन्ग टाइम तक इजिली चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब सामने की ओर पूरा का पूरा आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉसी फिनिश है। ऊपर आपको वर्लपूल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। राइट साइड में बीच में आपको की का होल्डर दिया गया है, तो जिसके अंदर आप कहीं भी बाहर वगैरह जा रहे हो तो इसे लॉक लगाना तो लॉक लगा सकते हो, और जैसे कि कोई भी बच्चा वगैरह इसे ओपन ना कर पाए। फ्रिज के डोर को ओपन करने के लिए सामने की ओर कोई भी हैंडल नहीं दिया गया, तो आपको ऊपर से पकड़ के इस फ्रिज के डोर को ओपन करना पड़ेगा, जहां आपको खाचा जैसा ब्रैकेट जैसा देखने को मिलेगा। और राइट साइड में आपको एनएचए स्टार की रेटिंग देखने को मिल जाती है, और इस फ्रिज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी उस रेटिंग के नीचे मेंशन है। अब अंदर के साइड की बात करें, तो सबसे ऊपर टॉप पे आपको आइस चैम्बर देखने को मिल जाएगा, जो कि 14 लीटर की कैपेसिटी है। उसके राइट साइड में आपको एक नॉब देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉब के थ्रू आप इस फ्रीजर चैम्बर को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपको गर्मी के सीजन में ज्यादा फास्ट करना तो फास्ट कर सकते हो, ठंडी के सीजन में स्लो करना तो स्लो कर सकते हो। और इस नॉब के बीच में एक बटन दिया गया है, जब भी फ्रीजर के अंदर ज्यादा बर्फ वगैरह जम जाए तो आप इस बटन पे प्रेस कर लीजिए, तो एक रात में आपकी सारी की सारी बर्फ जो कि पिघल जाएगी। इसके नीचे आपको क्विक चिल देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो भी बर्फ निकलती है वो सारी की सारी इसके अंदर गिरती है, पानी वगैरह सारा इसके अंदर गिरता है। इसके बाद में उस ट्रे को आपको बाहर निकाल के इजिली कहीं भी वाटर वगैरह गिरा देना है। इसके नीचे आपको जो कि ट्रेस देखने को मिलेगी, तो इसके अंदर आपको टफन ग्लास के ट्रे देखने को नहीं मिलेगी, आपको स्टील के बने हुए जाली जैसे ट्रे देखने को मिलेंगे, जो कि आपको दो इसके अंदर आते हैं। और बाहर से आप कोई परचेस करना चाहते हो तो परचेस करके भी वो बीच में लगा सकते हो। और लास्ट में आपको वेजिटेबल का ट्रे देखने को मिल जाता है, जो कि वेजिटेबल का बास्केट। तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर वेजिटेबल आ जाएगा, तो आपके घर पे 4 से 5 मेंबर तो आराम से 2 से 3 डे में भी 1 वीक तक का वेजिटेबल इसके अंदर इजिली आ जाएगा। अब डोर साइड बकेट की बात करें, तो आपको टोटल 4 बकेट देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे वाले जो 2 बकेट है उसके अंदर बॉटल रैक है, तो जैसे कि इसके अंदर आप 2 लीटर की 1 लीटर की पानी की बॉटल इजिली रख सकते हो, तो आराम से आपके 2 लीटर की 3 बॉटल और 1 लीटर की 4 से 5 बॉटल आ जाएगी ऊपर बॉटल रैक पे। और वो बॉटल के डिजाइन पे भी डिपेंड करता है, कुछ बॉटलें जो कि लंबी होती है स्लिम होती है, कुछ बॉटलें जो कि चौड़ी होती है और छोटी होती है, तो डिपेंड करता है कितनी बॉटलें क्या साइज की, तो इस हिसाब से वो बॉटलें आ जाएगी। और एकदम ऊपर आपको 2 रैक देखने को मिल जाएगा, जिसे इजी रैक भी कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाले पे आप ब्रेड हो गया, एग हो गया, जो भी छोटी मोटी चीजें रहती है वो रख सकते हो, बटर वटर। और उसके नीचे भी आपको एक और रैक देखने को मिल जाएगा, तो जिसके अंदर आप छोटे मोटे कैंस रहते, छोटे बॉटल रहते, जो कि छोटे फ्लेवर्स के बॉटल रहते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल बनाने के, जो कि फूड
फूड्स वगैरह बनाने के, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हो। तो स्पेस की बात करें, काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है इस रेफ्रिजरेटर के अंदर। और वेजिटेबल बकेट की बात करें तो इसके ऊपर आपको हनीकॉम का लॉक भी देखने को मिल जाता है, जैसे स्लाइड करने पर लॉक और अनलॉक होएगा। और इसके अंदर आपको है ना 9 आवर का कूलिंग रिटेंशन देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपके एरिया में लाइट वगैरह जाती रहती है तो 9 घंटे तक आपकी चीज़ें फ्रेश रहेगी, पिघलेगी नहीं। इसके बाद में थोड़ी थोड़ी हो सके पिघलना स्टार्ट हो जाए, तो 9 घंटा तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम एरिया रहेगा जहाँ लाइट जाती रहेगी। 1 आवर या फिर 2 आवर मैक्सिमम या फिर 3 आवर तक लाइट जाती रहती है अधिकतर, जो कि सभी जगह हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो चालू हो ही गई है। और इस फ्रिज को आप होम इन्वर्टर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पर इन्वर्टर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है, तो इस इन्वर्टर के थ्रू भी इस रेफ्रिजरेटर को आप यूज कर सकते हो, तो वो टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर यूज की गई है। अब कंप्रेसर के नॉइस की बात करें तो आपको बहुत ही कम नॉइस देखने को मिलेगा कंप्रेसर के अंदर, तो थोड़ा भी ऐसा लगेगा कि नहीं ये फ्रीज अभी चालू है या बंद हुआ, चालू बंद हुआ, तो ये चीज बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। सो आफ्टर 6 मंथ बाद में भी ये वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कुछ भी मुझे इसके अंदर इशू वगैरह देखने को नहीं मिला है। तो सभी चीजें मैंने डिटेल में इसके बारे में बता दी है, कुछ भी चीज मैं भूल गया रहा हूँ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 11,599 का, अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये रेफ्रिजरेटर कोई 12,000 13,000 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और ये वीडियो आप 2022-2023 में देख रहे हो, तो 6 मंथ में हमारे रेफ्रिजरेटर अपडेट होते रहते, जो लेटेस्ट वाले रहेंगे उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, ये वीडियो अच्छा लगा ज्यादा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।